सभी का स्वागत है साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल पर। आज हम बात करेंगे बहुत ही फेमस टॉपिक के बारे में, वो है हाइपरटेंशन, हाई बीपी। तो अगर आप होम्योपैथी की बुक मेरे हाथ में देख रहे हो तो आप सोच रहे हो कि मैं आपको मेडिसिन बता लूँगा हाइपरटेंशन के लिए, बीपी कम करने के लिए। तो मैं नहीं चाहता आपको मैं उल्लू बनाऊँ, क्योंकि हाइपरटेंशन के लिए इस बुक में कम से कम 100 मेडिसिन लिखी है। अगर मैं चाहूँ कि आज मैं आपको बताकर कि हाइपरटेंशन के लिए रागोल्फिया बहुत बड़ी मेडिसिन है, तो नेक्स्ट डे आपको मैं करेटेगस बता सकता हूँ, अगले दिन आपको मैं अर्जुना बता सकता हूँ, नेक्स्ट डे आपको अश्वगंधा बता सकता हूँ। ऐसे 100 इसके अंदर मेडिसिन हाइपरटेंशन के लिए बुक में लिखी हुई है। तो मैं नहीं चाहता कि आपको उल्लू बनाऊँ मैं ऐसे मेडिसिन बता बता के। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हम बीपी को क्या समझते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि बीपी सिर्फ जो हाइपरटेंशन है वो सिर्फ जब बीपी बढ़ता है उसी को बोलते हैं, और बीपी बढ़ना एक बीमारी ही है। तो मैं आपको बता दूं कि बीपी बढ़ना खुद कोई बीमारी नहीं है। तो इसीलिए ज़्यादातर लोगों का होम्योपैथी से भी नुकसान हो रहा है, एलोपैथी से भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो लेमन लैंग्वेज में एक ही चीज़ जानते हैं कि बीपी बढ़ना बीमारी है, इसको कम कर लेना चाहिए। इसी चीज़ का फ़ायदा है वो डॉक्टर हैं जो खास करके होम्योपैथ हैं वो बहुत ज़्यादा उठाते हैं। वो ऐसे वो बीपी कम करने के लिए आपको सीधा मेडिसिन देने लग जाएंगे। ज़्यादातर इंटरनेट पे आप देखते हो कि आपको हर एक डॉक्टर अपनी एक स्पेशल मेडिसिन लेके मिलेगा। तो स्पेशल मेडिसिन है इन्हीं 100 मेडिसिन में से आ रही है जो बुक के पीछे लिखी हुई है। वो काम करे ना करे उसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसको कुछ खुद भी नहीं पता है वो इलाज क्या कर रहा है, ना ही उसने कुछ करना है। तो हाइपरटेंशन को समझने के लिए हमें बीपी क्यों बढ़ता है उसको ठीक करना होगा, ना कि सीधा बीपी के लिए मेडिसिन लेने लग जाना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो नॉर्मल बीपी है वो कहाँ तक समझेंगे। अगर ऊपर वाला बीपी 140 है, नीचे वाला 90 है उसका, तो हम वहाँ तक उसको नॉर्मल बीपी लेकर चलेंगे, मेडिकेशन की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ता है तब मेडिसिन की ज़रूरत आती है। तो हाइपरटेंशन है अगर 20 साल की नीचे की उम्र में मिलता है तो उसका मतलब है कि उसके हार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, बीपी दिल के बिना कोई और शरीर में बीमारी है उससे बढ़ रहा है। अगर 40 से 55 साल के बीच में बीपी बढ़ रहा है तो हम सोच सकते हैं कि हार्ट के अंदर इसके दिल के अंदर कोई ना कोई बीमारी है जिसका इलाज करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ रहा है। 99.9% है जो लोग हैं वो यही गलत इलाज ले रहे हैं, वो सिर्फ बीपी के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो इसको जानने के लिए कि बीपी क्यों बढ़ता है उसके हम कारणों के बारे में सबसे पहले जानकारी लेते हैं। जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, गुर्दों के अंदर अगर सिस्ट बन जाए, जब गुर्दों के अंदर अगर ट्यूमर बन जाए, कोई भी कैंसर ट्यूमर हो जाए, उससे बीपी बढ़ने लग जाता है। अक्यूट नेफ्राइटिस है, आपने देखा होगा कभी कभी पेशेंट को कहीं को डायलिसिस करवाना पड़ता है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन आ जाता है। तो अक्यूट नेफ्राइटिस इतनी सीवियर कंडीशन नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा बढ़ने लग जाता है। उसके बाद है थायरोटॉक्सिकोसिस, जो थायराइड है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पर्सन का, उसके अंदर भी उसका बीपी बढ़ने लग जाता है। किसी को बहुत पुराना गाउट है, यूरिक एसिड उसका बहुत पहले से बढ़ रहा है, उसका वो ढंग से ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, उससे भी हो जाता है। किसी को शुगर है, उसकी बढ़ी रहती है, जब बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक कर रहा है तब भी हाइपरटेंशन हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस है, अगर खून की धमनियों के अंदर फैट जम जाए तो टाइट हो जाती हैं, उसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है। स्क्लेरोडर्मा और ल्यूपस दो बीमारियां हैं जिनके होने से भी बीपी बढ़ जाता है। ये हार्ट की तो बीमारियां हैं नहीं, ये बीमारियां शरीर के और हिस्सों की हैं, उनकी वजह से बीपी बढ़ जाता है। हार्ट के अंदर कॉरेक्टेशन और अरोटा है, अगर अरोटा का जो वाल्व है वो खराब हो जाए। ब्रेन ट्यूमर है, किसी के अगर दिमाग के अंदर ट्यूमर हो जाए उससे भी बीपी बढ़ने लग जाता है। ब्रेन के ऊपर कोई भी
सोजिश है जिसको हम एनसेफलाइटिस बोल देते हैं, उससे भी बीपी बढ़ने लग जाता है। कुछ दवाइयाँ हैं जैसे कि बच्चा ना हो उसके लिए फीमेल है जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, उनके लेने की वजह से भी बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर मेल है वो सेक्सुअल जो मेडिसिन है जैसे व्याग्रा है या कोई और होम्योपैथिक ऐसी मेडिसिन है जो बीपी को बढ़ाती है वो ले रहे हैं, उससे बीपी बढ़ जाता है। हाँ, अब बात आती है मेन कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जो बीपी का है 99.9% लोग का वो गलत इलाज ले रहे हैं। वो यहीं से आपको पता लग गया होगा अब सारा, चाहे वो एलोपैथी है चाहे वो होम्योपैथी है। वो क्या कर रहे हैं, सीधा बीपी जो बढ़ रहा है उसके लिए मेडिसिन ले रहे हैं। बीपी जिन बीमारियों की वजह से बढ़ रहा है उसका वो कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, ना ही उसका कभी उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया है, ना ही उस बीमारी के लिए खून की जांच करवाई है, ना ही उसका कभी लेबोरेटरी के लिए सैंपल भेजा है। इसलिए होम्योपैथी भी आजकल नीम हकीम खतरा जान बनती जा रही है, जो पुरानी कहावत है यूज की जाती थी, क्योंकि होम्योपैथ भी इसी रास्ते पे जाकर चल चुके हैं। वो यही काम कर रहे हैं, उनको पता लगता है बीपी बढ़ा हुआ है, साथ ही साथ आप इंटरनेट पे ज्यादा है, वहां पे आपको मिलेगा सभी बीमारियों की एक दवा, रा वोल्फिया कर देगी जड़ से खत्म बीपी को। भाई बीमारी का तो आपको पता नहीं, रा वोल्फिया कैसे कर देगी। इसीलिए जब आप इंग्लिश डॉक्टर के पास जाते हो होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेने के बाद, वो यही बोलता है कि अब आप आए हो बीमारी बढ़ाने के बाद, क्योंकि होम्योपैथी के जो आजकल डॉक्टर हैं वो इन बीमारियों की जांच ही नहीं करा रहे, वो मेडिसिन पढ़ रहे हैं किताब में से दे जा रहे हैं, करे काम ना करे तब तक वो बीमारी बढ़ जाती है, हो सकता है एकदम उस पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाए। इसलिए एलोपैथिक डॉक्टर है वो होम्योपैथिक डॉक्टर से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन करते हैं। तो हमें इलाज करना है इन बीमारी का, जैसे कि हमें अल्ट्रासाउंड करवाना है पेट का, पता करना है कि गुर्दों के अंदर कोई बीमारी तो नहीं बन गई है, उसकी खून की जांच करवानी है, उसका थायराइड जांच करवाना है, उसके अंदर देखना है कहीं फैट तो नहीं जम गया, उसका अरोटा वाल्व चेक करवाना है इकोकार्डियोग्राफी से, ब्रेन की हो सकता है हमें MRI भी निकलवानी पड़े, उसकी लिपिड प्रोफाइल भी जांच करवानी पड़ेगी। तो पहले हम बीमारी का पता करवाएंगे, जो हमें बीमारी पे पता लगी हम उसका इलाज शुरू करेंगे। अगर हमें पता लग गया कि ये गाउट का पेशेंट है और उसकी वजह से बीपी बढ़ रहा है, तो सबसे पहले हम इसका इलाज शुरू करेंगे। चलो इसके लिए तो मेडिसिन ठीक है आपकी चल रही है, चाहे वो इंग्लिश चल रही है वो ले लेनी चाहिए, कोई बात नहीं। पर परमानेंट ट्रीटमेंट तभी होगा जब बीमारी की वजह से बीपी बढ़ रहा है, अगर आप उसका इलाज लोगे। अगर आप उसका इलाज नहीं लोगे तो किसी भी समय हार्ट अटैक भी आ सकता है, क्योंकि इन बीमारियों को आपने पकड़ा ही नहीं जिनकी वजह से बीपी बढ़ रहा था, आप सीधी बीपी की मेडिसिन ले रहे हो। अब पता लगा किसी के ब्रेन की ऊपर स्वेलिंग थी, आपको पता ही नहीं है कि ब्रेन के ऊपर इसके स्वेलिंग आ गया, कोई टेस्टिंग करवाया, सीधा बीपी के लिए मेडिसिन दे रहे हो, एकदम उसको कभी भी मिर्गी के दौरे जैसे लक्षण आ सकते हैं, एक के साथ एक बीमारी और जुड़ जाएगी। तो इन सभी के लिए अलग अलग टेस्ट हैं, अलग अलग स्कैन हैं, अलग अलग ब्लड एग्जामिनेशन है, जो इसकी मेडिसिन शुरू करने से पहले हम ये जांच करवा लेनी चाहिए कि किसी और बीमारी की वजह से, कौन सी बीमारी की वजह से जो हाइपरटेंशन हो रही है, तो उसका इलाज हम करेंगे तभी हम परमानेंटली क्योर पा पाएंगे हाइपरटेंशन से। नहीं तो कुछ समय के लिए तो आपका बीपी कम रहेगा चाहे कोई भी मेडिसिन लेते हो, उसके बाद आपको 2-4 साल बाद पता लगेगा हार्ट के अंदर 3 बीमारियां और आ गई हैं। तो इसके लिए आप बढ़िया इलाज करवाएं, अपने टेस्ट करवाएं, सही जांच करवाने के बाद ही अपना इलाज शुरू करें, चाहे वो होम्योपैथी है चाहे वो एलोपैथी है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, देर या जल्दी जब भी मेरे से होगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। थैंक्स।